अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जब भी एक आप मोबाइल फ़ोन लेने का सोचते हैं तो दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है। नेट पे सर्च कर रहे होते हैं, यार ये वाला आईफोन लूँ या फिर ये वाला एंड्रॉयड लूँ। इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं और मार्केट जाके भी कंफ्यूज होते हैं कि आपको किस में पैसे खर्च करने चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम दो बड़ी कन्फ्यूजन एक ही ब्रांड की दूर करने वाले हैं, जहाँ पर हम देखेंगे आईफोन 11 और आईफोन 10s मैक्स, इन दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए। दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे फ़र्क है, पीटी अप्रूव भी, नॉन पीटी भी, क्या प्राइसेस हैं वो भी आपको बताऊंगा। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रीजंस दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों मोबाइल फ़ोन्स में से किस पर पैसा खर्च करने चाहिए। तो वीडियो काफ़ी डिटेल और टू द पॉइंट होगा, तो उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले और डिज़ाइन से। सबसे पहले आईफोन 10s मैक्स जो है आपको 6.5 इंचेस के डिस्प्ले में मिलता है, वहीं पर आईफोन 11 आपको 6.1 इंचेस के डिस्प्ले में मिलता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं या ऊपर से नीचे तक रखते हैं तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखने वाला। अगर आप ये 3-4 इंचेस को नेट पे पढ़कर ऐसा समझ रहे हैं कि आपको कोई छोटा आईफोन मिलने वाला है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर मैं आप लोगों को दोनों आईफोन पकड़ाऊं तो आप अगर कंपेयर करें तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये दोनों फॉर्म फैक्टर, दोनों साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी हैंडी है। अगर आईफोन 10s मैक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील बेजल्स मिलते हैं और पीछे जो ग्लास बैक मिलती है यहीं पर आपको एलुमिनियम बेजल्स मिलते हैं, पीछे ग्लास बैक मिलती है। अब दोनों में प्रीमियमनेस की बात करूं तो यहाँ पर प्रीमियमनेस दोनों की हैंड फील एक जैसी है, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलता। अब बात आती है डिस्प्ले की, रेजोल्यूशन की। आप जब डेली बेसिस में अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी रेजोल्यूशन मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक मैटर करती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप आईफोन 10s मैक्स को देखेंगे जिसमें OLED पैनल है और जहां पर आप आईफोन 11 को देखेंगे जिसमें LCD पैनल है, और अगर आप दोनों को देखेंगे, हाँ ऐसा भी नहीं कहूँगा कि फ़र्क नहीं है, फ़र्क है, लेकिन जो इतनी ज़्यादा 10s मैक्स में हाई पे OLED पैनल की जहां पर आपको 38% 11 से ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलती है, PPI मिलता है और ज़्यादा अच्छे कलर्स मिलते हैं आउटडोर पे भी इनडोर पे भी। बाय द वे इन दोनों की जो पीक ब्राइटनेस है वो 625 निट्स हैं, यानी कि अगर आप आउटडोर पे जाएंगे सूरज के नीचे फ़ोन को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको दोनों में कोई मसला नहीं आने वाला, इजी तरीके से आपको स्क्रीन दिख जाएगी। बट हाँ, अगर 10s मैक्स की बात करूँ तो उसके पास ये बेनिफिट है कि आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलती है, आपको 38% तक PPI ज़्यादा मिलता है जिसकी मदद से आपको स्क्रीन पर डिटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैप्चर होते हैं कंपेरेटिवली वीडियोज़ वगैरह, या जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो तो जब पिक्सल पर इंच ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल मिल रही होती है। तो हाँ, कह सकते हैं कि आईफोन 10s मैक्स स्क्रीन के मामले में आगे। अगर दोनों की कर्व की बात करें तो आईफोन 10s मैक्स जो है वो 7.7 मिलीमीटर है और आईफोन 11 8.3 मिलीमीटर है, यानी कि आईफोन 11 थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। लेकिन आप अगर साइड बाई साइड कंपेयर करेंगे और आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, मैं करके भी दिखा दूंगा आपको, तो इतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल से मुझे आईफोन 11 ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है अगर हैंड फील की बात करें। सबकी चॉइस अपनी जगह, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यहाँ पर आईफोन 11 है। अगर मैं वेट की बात करूँ, 208 ग्राम का आईफोन 10s मैक्स है, भारी है, और 194 ग्राम्स का आईफोन 11 है, हल्का है, एल्यूमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है, इसमें भी फ़र्क है। तो आईफोन 11 यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मोटा तो है लेकिन हल्का है। आईफोन 10s मैक्स और आईफोन 11 के अगर आप बेजल्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको आईफोन 11 में थोड़े से ज़्यादा बेजल्स मिलेंगे, LCD पैनल है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टर्न ऑफ किसी किसी के लिए हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, डे टू डे यूजेस के बारे में। अगर गेमिंग करेंगे या अगर आप पिक्चर खींचेंगे तो प्रोसेसिंग कैसे निकल कर आती है। आईफोन 10s मैक्स में आपको A12 बायोनिक चिप मिलता है, आईफोन 11 में आपको A13 बायोनिक प्रोसेसर मिलता है। अब प्रोसेसर में एक जनरेशन का डिफरेंस है, नैनोमीटर का डिफरेंस है, तो बेहतर होने ही वाला है 11 की प्रोसेसिंग, और इसमें स्पीड, गेमिंग और ओवरऑल आपको आईफोन 10s मैक्स से बेहतर ही मिलेगी। लेकिन अब ऐसा भी बूम नहीं है कि आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिले। मैं आपको थोड़ी ऐप्स खोल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा होगा, कुछ मिली सेकेंड, और कुछ ऐप्स तो एट द राइट टाइम ही ओपन हो रही होंगी, तो आपको परफॉर्मेंस साइड से इतना ज़्यादा ह्यूज घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर प्लस पॉइंट है तो है आईफोन 11 के पास लेटेस्ट चिपसेट है, तो आपको ये हर चीज़ में थोड़ा सा बेहतर एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। आईफोन 11 का जो चिपसेट है वो आईफोन 10s मैक्स है 9.65% तक फास्टर है,
29% हायर इसके एंटीटू स्कोर है और गीक बेंच की बात करें तो 24% तक हायर है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं ये एंटीटू और गीक बेंच जो स्कोर होते हैं वो इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा ये होंगे उतना ज़्यादा आप अपने मोबाइल फ़ोन को तेज इस्तेमाल कर पाएंगे, आपकी उंगलियाँ नहीं रुकेंगी। स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो आईफोन XS मैक्स में आपको 64GB, 256GB और 512GB की स्टोरेज ऑप्शन मिलती हैं और आईफोन 11 में आपको 64GB और 128GB की स्टोरेज ऑप्शन मिलती है। अगर आप स्टोरेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो यहाँ पर भी आईफोन 11 आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि आप 128GB तक मैक्सिमम स्टोरेज इसमें लग सकते हैं और कोई SD कार्ड तो लगता नहीं है, तो यहाँ पर आईफोन XS मैक्स के पास एडवांटेज है। अब परफॉर्मेंस के साथ ही जुड़ी होती है बैटरी, क्योंकि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस और जितना ज़्यादा यूज़ उतनी ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप भी होना चाहिए, वरना फ़ोन किसी काम का नहीं रहता और आप इतने पैसे खर्च ही क्यों कर रहे हैं। अगर बात करते हैं iPhone XS Max की तो आपको 3110 mAh की बैटरी मिलती है और 11 में 3174 mAh की आपको बैटरी मिलती है। अब बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है और अगर आप मुझसे पूछें और डे टू डे यूजेज के बारे में पूछें तो आपको बैटरी में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों की बैटरी जो गैप है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरी चीज़, एप्पल क्लेम करते हैं कि आईफोन XS Max 15 आवर का वीडियो बैकअप देगा और आईफोन 11 17 आवर का वीडियो बैकअप देगा, यानी कि 1 से 1.5 घंटा आईफोन 11 की बैटरी ज़्यादा चलेगी और ये सच भी है। अगर आईफोन XS Max की बात करते हैं तो वो तकरीबन घंटा या आधा घंटा पहले शट डाउन हो जाता है। उसकी वजह क्या हो सकती है, उसका OLED डिस्प्ले ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, उसकी जो पुरानी चिपसेट है वो इतनी ज़्यादा बैटरी इफिशेंट नहीं है। वहीं पर अगर A13 बायोनिक की बात करें तो बैटरी इफिशेंट है, LCD पैनल है, इतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता। तो अगर बैटरी को लड़ाया जाए तो वहाँ पर iPhone 11 आपको अच्छा बैकअप देगा। फाइनली बात करते हैं किसी भी iPhone के मेन फीचर की, उनके कैमरास की। iPhone XS Max में आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, 11 में भी 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। XS Max में आपको 1x स्टैंडर्ड जूम और 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है, यानी कि आप अपनी वीडियोस को ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे जिससे आपका ऑब्जेक्ट नियर आ जाएगा। दोनों ही फ़ोन में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे रियर कैमरा से, लेकिन आईफोन 11 को दो एडवांटेज यहाँ पर ये मिलते हैं कि आईफोन 11 में एक तो नाइट मोड है, आप नाइट में जो फोटोग्राफी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ले पाएंगे, आपको शार्प इमेजेस मिलेगी, ज़्यादा लाइटिंग होगी क्योंकि कैमरा सेंसर जो हैं वो बड़े हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसमें एक और कैपेबिलिटी की, वो है ऑडियो जूम, यानी कि आप जब वीडियो बना रहे होंगे आप किसी ऑब्जेक्ट पर जूम करेंगे या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वीडियो बनाना चाह रहे होंगे तो उसी ऑडियो पर ये कैमरा जूम करेगा और उसी की आवाज़ माइक पे लेगा। नॉइस कैंसिलेशन माइक इंस्टॉल है इसमें, तो अगर आप वीडियोग्राफी के लिए लेना चाह रहे हैं, व्लॉगिंग के लिए लेना चाह रहे हैं या कैमरा के हिसाब के साथ यूज़ है तो आपके लिए आईफोन 11 है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो आईफोन XS Max में आपको 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। वीडियो क्वालिटी, पिक्चर्स क्वालिटी बेहतरीन है, इतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं कहूँगा, ग्रेटर के लिए आपको आईफोन 11 में एक्सपेंड करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, XS Max सिर्फ 1080p HD पे 60 फ्रेम पर सेकंड पे फ्रंट फेसिंग कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, जबकि आईफोन 11 फ्रंट पे भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर जा सकता है। और प्लस पॉइंट ये है कि आईफोन 11 के फ्रंट कैमरा में स्लो मोशन भी है और एट द लास्ट दोनों फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर इन दोनों की प्राइसेस बात करें, पाकिस्तान में 256GB फैक्ट्री अनलॉक नॉन PTA की तो आईफोन 11 की है 128GB की 85,000 और आईफोन XS Max की 256GB की है 90,000, ठीक है। अब PTA प्रूफ की बात करें तो इसकी 135 और इसकी 125 है। और आप अगर इन दोनों फ़ोन में से कोई बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको हर तरह के लेटेस्ट आईफोन्स के प्राइसेस मिल जाएंगे। नॉन PTA PTA प्रूफ आप दोनों वहाँ से बाय कर सकते हैं वारंटी के साथ। अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, एक यूज़र की जो डे टू डे यूजेज होती है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये चीज़ आपको देखकर एक फ़ोन को परचेज करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं कौन सा आईफोन बाय करूंगा, तो डेफिनेटली मैं आईफोन 11 की तरफ जाऊंगा क्योंकि ये हर तरीके से आपको बेहतर ऑप्शन और बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्पीड परफॉर्मेंस की बात करूं, चिपसेट की बात करूं तो आईफोन 11 ज़्यादा बेहतर है आईफोन XS Max की, और आपके सिर्फ अगर डिस्प्ले प्रायोरिटी है तो आईफोन XS Max की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अगला कंपेरिजन, अगला कैमरा कंपैरिजन, अगली वीडियो, कुछ भी क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बाय।